हाय एवरीवन वेलकम टू होप यू ऑल आर डूइंग वेल स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो ये टारगेट करेगा उन स्टूडेंट्स को जो फ्रेशर्स हैं ठीक है जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है एंड उन स्टूडेंट्स को भी जो ऑल दो फ्रेशर्स नहीं है बट दे आर स्टिल लॉस दे नो हाउ टू गो अबाउट इट कि कैसे क्या करना है ठीक है कुछ टाइम उन्हें प्रेपरेशन को दे दिया है कुछ चीजें उनको आ गई हैं बट स्टिल उनके पास अभी भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्रॉपर प्लान नहीं है तो ये इन दोनों स्टूडेंट्स को ये वीडियो एड्रेस करने वाला है ठीक है तो इसमें हम क्या करेंगे कुछ कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स के होते हैं जैसे कि हाउ शुड वी स्टार्ट इट ठीक है हम कौन सी बुक से स्टार्ट करें हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है क्या हम प्रॉब्लम्स पहले कवर करके रखें बाद में मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करें ठीक है तो ऐसे सारे क्वेश्चंस प्लस क्या हमें एन के एग्जाम के लिए अलग पढ़ना है शुड वी वेट फॉर एन टी सिलेबस टू कम आउट या हम के uh, ही एन का कवर करें तो वो सारे क्वेश्चंस को हम इसमें एड्रेस करेंगे आपको क्या करना है अगर आप इन इस सारी इंफॉर्मेशन को मिस नहीं करना चाहते हैं डू वॉच वीडियो टिल दी एंड इसमें हम काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है ठीक है ये वीडियो देखने की एक और वजह भी है देखो जब आपको टीचर पढ़ाता है ना तो वो आपको अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाता है तो जो टीचर ने जब वो एक स्टूडेंट था अपने टाइम पे काफी टाइम इन चीजों को समझने में लगाया आपको वो टाइम ना लगाना पड़े उन चीजों को समझने में दैट मीन्स कुछ टाइम आप वेस ना करो एंड डायरेक्टली एक प्रॉपर गाइडेंस मिले आपको स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन में लग जाओ ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आपकी जर्नी से पहले आपको कोई ये चीजें बता दे ठीक है तो यही चीजें हम इसमें देखेंगे आपको वीडियो एंड तक देखना है एंड इस चैनल को प्रमोट करना है जितना ये चैनल आगे जाती है उतना ही क्वालिटी कंटेंट आपको एग्जाम इंडिया एग्जाम्स के एंड स्टेट एग्जाम्स के रिगार्डिंग मिलता रहेगा ठीक है तो पहले मैं आपको बोलूंगी एन टी एग्जाम एंड के एस का आपको क्या करना है आपको के एस का जनरल स्टडीज स्टार्ट करना है ठीक है उस जनरल स्टडीज में जब एन टी का सिलेबस आता है आपके जीके वाला पोर्शन जो है वो मेजोरिटी कवर हो गया होगा ठीक है फिर जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन रहता है वो मैं आपको बता दूंगी तब वो कैसे कवर करना है लेकिन अगर आप एंटी एस्पिरेंट भी हो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर हायर एग्जाम प्रिपरेशन के एस प्रिपेयर करो एंड डोंट थिंक आपसे नहीं होगा वो एग्जाम ही बेसिकली एवरेज स्टूडेंट्स का है ठीक है आपको बस एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है आप एवरेज हैं बिलो एवरेज हैं ठीक है, है आपने ट्वेल्थ फर्स्ट चांस में क्लियर किया या दो चांस में आप ट्वेल्थ जो है क्लियर करनी पड़ी किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट है आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं बस अगर आपके अंदर थोड़ी डिटर्मिनेशन है कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है आपके अंदर पेशेंस है इतने टाइम तक इतने घंटों तक किताबों के साथ बैठने की दिस इज ऑल यू रिक्वायर फॉर दिस एग्जाम फाइन इसमें आपका कोई इंटेलिजेंस का एग्जाम नहीं है दैट यू हैव टू बी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा स्मार्ट एंड विटी वो क्या होता है ना जब कोई बन जाता है ऑफिसर फिर आप उसकी वीडियोज देखते हैं क्योंकि उस टाइम पे वो और ही उनका ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं शायद ये काफ़ी जो है स्मार्ट होंगे इंटेलिजेंट होंगे आपको उनकी हर बात लगती है कि कितनी वैल्यूबल बात बोली ठीक है हर बात उनकी मोटिवेशनल स्पीच बन जाती है लेकिन उसी स्टूडेंट को अगर आप उनके एग्जाम की जर्नी में देखेंगे दे आर लाइक एनी अदर स्टूडेंट नर्वस एंक्शस कुछ पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा है कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं कुछ नहीं आ रही हैं ठीक है तो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं सारे थोड़ी पढ़ाई करते हैं कुछ मैटर ऑफ लक होता है क्वालिफाई कर जाते हैं ठीक है इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस या मिसाइल नहीं बनाने हैं आपको बेसिक चीजें पढ़नी है जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी होंगी या अगर नहीं भी पढ़ी होंगी नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होंगे थेरी पढ़नी है थोड़ा बहुत चीजें समझनी है कैसे प्रॉपर फ्रेमवर्क में चीजों को स्ट्रक्चर करना होता है ये एक्चुअली एग्जाम एक प्लानिंग का है फाइन नहीं तो आप सोचो आपको इतना सारा सिलेबस दिया जाता है इतने टाइम में कवर करने के लिए ठीक है नोटिफिकेशन आती है कुछ टाइम के बाद प्री है मेन्स एंड ऑल तो ये पता है कि इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल इतना सारा पढ़ना लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो बेसिकली आपको किस चीज़ पर टेस्ट किया जा रहा है आपको आपकी प्लानिंग पे टेस्ट किया जा रहा है कि क्या आप अच्छे से प्लान कर पा रहे हैं कि नहीं क्योंकि जब आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो यही आपका काम होता है आपको फिर एग्जीक्यूशन आनी चाहिए चीज़ों की कि टाइमली स्मार्टली कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करना है फाइन एंड इस एग्जाम में आपकी प्लानिंग ही टेस्ट होगी इसीलिए स्टार्टिंग से एक प्रॉपर प्लान बनाओ क्लटेड इन्फॉर्मेशन नहीं रखो कि इतना सारा पढ़ना है जीएस के इतने सब्जेक्ट्स वन के इतने टू के इतने थ्री के इतने नहीं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओ फ्रेमवर्क टाइम टेबल कंपार्टमेंटलाइज करो हर सब्जेक्ट का अलग नाम लिख लो उसके साथ क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ने हैं ठीक है थीके? वो दो तीन पेज लगा लो ये सारा डिटेल में लिखने में तो उससे क्या हो जाएगा ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में दिमाग में फीड होगी फिर चीजें ज्यादा बढ़ी नहीं लगेंगी क्योंकि जो मेस होता है ना वो बड़ा लगता है अगर आप कपड़ों का ढेर देखो कहीं पर रखा होगा बिना आयन किए तो आपको लगेगा एक पहाड़ है कपड़ों का लेकिन जब उनको आयन करके फोल्ड करके कहीं अलमीरा वगैरह में रख लोगे तो फिर आपको लगेगा नहीं कम ही चीजें हैं कम ही कपड़े हैं ज्यादा नहीं है सेम हमारा ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है अभी आपके दिमाग में होगा जीएस वन पढ़ना है टू पढ़ना है थ्री पढ़ना है फिर एथिक्स पढ़ना है ऑप्शनल भी है तो एक क्लाटर्ड इन्फॉर्मेशन है सारी इसको आपको ब्रेक डाउन करना है हर कॉम्पोनेंट को ब्रेक डाउन करो जीएस वन को डाउन करो उसके सब्जेक्ट्स का नाम लिखो साथ में उसके सिलेबस में क्या क्या कीवर्ड्स हैं वो लिख लो ठीक है उससे सारी इन्फॉर्मेशन क्या होगी आपके दिमाग में हर कंपार्टमेंट एक छोटे छोटे रूम में फिट हो जाएगी फिर आपको ये चीज जो है ऑर्गेनाइज लगेगी ये मेस्टअप नहीं होगी ब्रेन में एंड आपको लगेगा लग कि नहीं इट्स डूएबल यही तरीका होता है एंड चीजों पे आपका टेस्ट हो रहा है कि आप प्रॉपर प्लानिंग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो सो so, इस एग्जाम का स्टार्ट ही प्लानिंग है तो फॉर फ्रेशर्स ठीक है क्या करो प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओ एक फ्रेमवर्क बनाओ ठीक है अब वो कैसे बनाना है उसे मैं आपकी हेल्प करूंगी एंड इस वीडियो में आपको मेरे पेड कोर्स में क्या क्या फीचर्स होंगे उसका थोड़ा ओवरव्यू भी दे दूंगी फिर वो सेपरेटली एक वीडियो आएगा प्रॉपरली जिसमें मैं आपको बताऊंगी पेड कोर्स में क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे ठीक है आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले आप प्री के प्रिपरेशन स्टार्ट करो उसके बाद आप मेंस पे जंप करो ऐसा नहीं आपको करना है ठीक है हमें देखना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हमारे प्री और मेंस से रिलेटेड ठीक है तो आपको वो साथ में लेके चलने हैं उससे क्या होगा ये सारे जो कॉम्पोनेंट्स आप करोगे तो इससे आपका प्रिलिम्स का पोर्शन तो कवर हो ही रहा है साथ में आपका मेन्स का भी एक अच्छा खासा जहां से मार्क्स आते हैं वो वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा ठीक है तो प्री का मेन्स बैच इसको मान के चलो जिसमें प्री एंड मेन्स जो है साथ साथ हम दोनों टैकल करेंगे चीजें तो अब जो बिल्कुल फ्रेशर हैं जिनको नहीं पता है हमें क्या करना है उनके लिए आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट विद अ न्यूज़पेपर आप हिंदू पढ़ने की हैबिट डालो द हिंदू ठीक है क्योंकि इस एग्जाम में यू विल हैव टू रीड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स आपको काफी बुक्स पढ़नी है कंटेंट पढ़ना है मटेरियल पढ़ना है न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं इसीलिए रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद करंट अफेयर्स कि क्या चल रहा है ठीक है तो आप क्या करोगे स्टार्ट विद रीडिंग न्यूज पेपर मेक इट अ हैबिट अगर आप अकेले न्यूज पेपर पढ़ने में बोर हो जाते हैं वॉट यू हैव टू डू आप न्यूज पेपर पढ़ो खुद से पढ़ो लेकिन जरूरी दिस आई वुड सजेस्ट फिर स्टडी वीर करके एक यूट्यूब चैनल है स्टडी वीर उसमें वीर है। वो द हिंदू का आपको क्या करते हैं एनालिसिस डेली अपलोड कर देते हैं वहां से आप द हिंदू का जो आपको पोर्शन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम रिलेवेंट एंड कैसे आपको पढ़ना चाहिए वो आपको उनकी चैनल से मिल जाएगा ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है मैंने खुद उनके चैनल से काफी कुछ सीखा है ये मैं आपको आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल रही हूँ ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है ठीक है तो स्टडी वीर करके वो यूट्यूब uh, चैनल है वहाँ से वीर तल्याण सर से आप न्यूज पेपर जो है वो पढ़ना सीख सकते हैं एंड उसका एनालिसिस एंड uh, क्या टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूज से वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी फिर आप क्या करोगे फिर आर्ट एंड कल्चर आर्ट एंड कल्चर आपका प्री में भी है मेंस में भी है तो आई वुड सजेस्ट कि आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट करो मैं भी अपने जो वीडियोस हैं जीएस के वो आर्ट एंड कल्चर से ही स्टार्ट करूँगी तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगी हम आर्ट एंड कल्चर कैसे स्टार्ट करेंगे ठीक है तो पहले आगे चलते हैं फिर एंशंट एंड मिडीवियल जो है ये आपका के एस इसमें के यूपीएससी के प्री में है ये मेन्स में नहीं आता है एंड ये आपका एंशियंट मिडीवियल आपके एंटी एग्जाम्स में भी मोस्ट प्रोबेबली होगा तो एंशियंट मिडीवियल जो है उसके शॉर्ट शॉर्ट चीजें मैं आपको कवर करवाऊंगी जिससे आपका के एस का भी प्रिपेयर हो जाएगा एंड आपका एंटी एग्जाम भी निकल जाएगा फाइन तो एंशियंट मिडीवल हम पढ़ेंगे उसके बाद बाकी कॉम्पोनेंट स्टार्ट करेंगे ठीक है तो क्योंकि वन थिंग एट अ टाइम तो आप क्या करोगे आर्ट एंड कल्चर से हम स्टार्ट करेंगे फिर पॉलिटी पढ़ना है लक्ष्मीकांत से लक्ष्मीकांत ज्योग्राफी के लिए एनसीआर टीज पढ़नी है एनवायरमेंट के लिए शंकर राय अकेडमी की बुक पढ़नी है एंड इकोनॉमी के लिए कुछ नोट्स आपको मिल जाएंगे एंड uh, प्लस यूट्यूब चैनल से कुछ चीज़ें हम सीखेंगे ठीक है अब देखो जो चीज़ मैं आपको फ्री में देती हूँ वो क्या होगा वो हमारा कंटेंट होगा जैसे मैं आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ा रही हूँ तो वो मैं फ्री के वीडियोज आएंगे यूट्यूब पे हम वो आर्ट एंड कल्चर वहां से कवर कर लेंगे फाइन एंड जो चीज़ मैं आपको कंप्लीट नहीं कर पाऊँ क्योंकि अभी तक मैं इस चैनल को अकेले हैंडल कर रही हूँ फ्रॉम द स्क्रैच मैंने स्टार्ट किया बिल्कुल ही जो भी काम वीडियो रिकॉर्डिंग में लगता है सारा मैं खुद से ही हैंडल करती हूँ फाइन तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं सारा आपको खुद से ही कवर करवाऊँ तो मैं क्या करूँगी जितना मैं कवर नहीं कर पाती हूँ या मेरे से कोई कॉम्पोनेट कोई टीचर जो बेहतर पढ़ाए तो मैं आपको सजेस्ट करती रहूंगी कि आपको कौन सी चैनल किससे देखनी चाहिए जैसे पॉलिटी के लिए आई वुस्ट किया लक्ष्मीकांत पूरी बुक कवर करवाई हुई है ठीक है तो आपका न्यूज पेपर एंड पॉलिटी कहां से कवर हो जाएगा आपके स्टडी वीर की चैनल से जो मैं कवर करवा रही हूँ वो आप यहाँ पे देखो जो मैं नहीं करवाती हूँ वो मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो आपको फ्री बेस्ट कहाँ से मिलेगा तो आपके आपके पैसे भी मिनिमल लगे एंड आपको बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट भी मिल जाए ठीक है तो ये हुआ यहाँ से आप, आपका आर्ट एंड कल्चर और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री वो यहाँ लिखना भूल गया मॉडर्न हिस्ट्री इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी दिए हुए हैं वो आपके एंट्री एग्जाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री उससे कवर हो जाएगी या अगर आपका मॉडर्न हिस्ट्री किसी और एग्जाम में होता है एस का वहां से कवर हो जाएगा पी के एग्जाम के लिए कुछ इसमें में एडिशन होंगी जिसके मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी ठीक है एडिशनल वीडियो जो थर्टी परसेंट ही है एंड मेजोरिटी जो सेवेंटी परसेंट है वो हमने मॉडर्न हिस्ट्री कवर किया हुआ है ऑलरेडी फाइन एंड अगर पॉलिटी बेसिक आता है एनटी के सिलेबस में जैसे सिर्फ फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी वगैरह तो वो उसकी भी जो वीडियोज हैं वो आपको मेरी ही चैनल से मिल जाएंगे वो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन करके अलग चैनल बनाई हुई है पॉलिटी करके तो वहां से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो चैप्टर्स देख सकते हैं वो एन एग्जाम के लिए ठीक है लेकिन यूपीएससी और जेके पी की पॉलिटी की प्रिपरेशन आप कहाँ से करेंगे वो वीर तलियांसर की चैनल से करेंगे ठीक है तो ऐसे ही थोड़ा टाइम होने दो मैं आपको हर सब्जेक्ट के लिए जो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ रेकमेंड करूंगी बेस्ट चैनल कौन सी है फाइन अब रही बात मेरे पेड कोर्स की उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो तो लेके आऊंगी ही कि उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी पर मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ देखो आपके पास काफी इंफॉर्मेशन है ठीक है आपके पास आपने देख लिए वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन वो आपके किसी काम नहीं आएगा अगर आपको स्ट्रक्चरिंग नहीं आती है चीजों की अगर आप आंसर राइटिंग में वीक हो तो मेरी जो मेरा पेड मॉड्यूल होगा उसका काम है अब आपके पास इंफॉर्मेशन सारी मिल गई आपको अब मेरा काम होगा उस इन्फॉर्मेशन को आपके लिए ऐसे यूटिलाइज करवाना दैट विल मेक श्योर कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो उसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होगी एंड आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी प्री की भी मेन्स की भी एंड कुछ डाउट सॉल्विंग के लिए हम करेंगे जिसमें आपके डाउट्स जो है वेरियस कॉम्पोनेंट्स के क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएंगे प्लस आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स के ठीक है तो आपके पास कंटेंट भी आ जाएगा आंसर राइटिंग प्री मेंस के लिए डाउट सॉल्विंग तो ये जेके पी यूपीएससी दोनों के लिए एक पेड मॉड्यूल रहेगा ठीक है तो वो जब मैं लॉन्च करूंगी तभी मैं आपको बताऊंगी कॉस्ट वगैरह इसकी प्राइसिंग क्या रहेगी फाइन मुझे काफी कल से क्वेरीज आ रही है कई उन्हें कमेंट किया कई कहीं उन्हें मेल व्हाट्सएप भी किया हुआ है तो मैं लेट मी गिव मी समाइम ठीक है लेटमी प्रिपेयर अ फ्रेमवर्क फर्स्ट कि क्या क्या चीजें कवर हो रही है आई एम वर्किंग ऑन इट तो ये मैं आपके लिए कर दूंगी ठीक है एंड साथ में ही पटवारी एग्जाम वगैरह उनकी टेस्ट सीरीज भी आ रही है तो वो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कुछ टाइम में आई एम वर्किंग ऑन ए वेबसाइट ऑफ माई ओन मैं एक वेबसाइट बना के अपनी करण क्रंच की वो सारी चीजें आपको वहां से प्रोवाइड करवा दूंगी पटवारी एन एन टी का भी आएगा तो उसकी टेस्ट सीरीज भी आएगी ठीक है तो ये सारी चीजें आपको आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी आपको क्या करना है आपको इस चैनल को प्रमोट करना है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है अब हम देखते हैं मैं आपको बताती हूँ थोड़ा ओवरव्यू कि हम स्टार्ट करें हैं आर्ट एंड कल्चर से ठीक है तो ये आर्ट एंड कल्चर हम कैसे कवर करेंगे आर्ट एंड कल्चर तो आर्ट एंड कल्चर आपके के एस के लिए भी है आपके यूपीएससी के, के लिए भी है एंड आपके एनपी एग्जाम के लिए भी है ठीक है तो मैं मैंने क्या डिसाइड किया हुआ है कि ये आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हुए स्टूडेंट्स काफी बोर हो जाते हैं बोरिंग सा है तो हम क्या करेंगे इसको हम इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ठीक है तो होगा क्या बेसिकली इसमें जैसे हम हिस्ट्री को यूजुअली क्या करते हैं हम एक टाइम लाइन में डिवाइड करते हैं जैसे पहले प्री हिस्ट्री हो गया ठीक है फिर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया फिर चालकोलिथिक मेगालिथिक कल्चर्स हो गए फिर वेदिक पीरियड एंड uh, बीच में आता है आपका बुद्धिज्म एंड बुद्धा महावीर पीरियड एंड ऑन so ठीक है तो ऐसे करके टाइमलाइन में डिवाइड करूंगी फिर प्री हिस्ट्री में पिछले आठ नौ सालों में यूपीएससी में क्या क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चंस हम वहां से कंटेंट अपना बनाएंगे ठीक है वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पिछले दस सालों में कैसे क्वेश्चंस आए हैं चालकोलिथिक मेगालिथिक में कैसे क्वेश्चन आए हैं वैदिक पीरियड में कैसे क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में पिछले दस सालों में एंड बुद्धा महावीर में कैसे क्वेश्चन आए ठीक है जब आप ये देखोगे पिछले इतने सारे सालों में प्री हिस्ट्री वाले टाइम से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं तो उससे आपका प्री हिस्ट्री सारा कवर हो जाएगा एंड सिंस यूपीएससी के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं तो उन्होंने हर डायमेंशन जो है वो कवर किया होता है सिमिलरली इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कई सालों में तो उससे क्या हो जाएगा वो अलग अलग डायमेंशन से यूपीएससी हर साल पूछती है तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन सारा वैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा ठीक है तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्या रहता है थोड़ा इजी रहते हैं बोरिंग सब्जेक्ट्स कवर करने हम आर्ट एंड कल्चर भी ऐसे कवर करेंगे एंड अल ट्राई के वर्ल्ड हिस्ट्री भी हम ऐसे ही कवर करें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ठीक है तो वीडियोस मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा दूंगी लेकिन अगर आपको इसका कंटेंट चाहिए फिर आंसर राइटिंग चाहिए फिर इन पर डाउट सॉल्विंग होनी चाहिए आपके लिए ठीक है अगर ये सारी चीजें चाहिए तो आपको क्या करना होगा पेड मॉड्यूल भी साथ में लेना होगा जिसमें मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी प्रोवाइड करूंगी फाइन तो ऑलमोस्ट वन क्वेश्चंस क्वेश्चन होंगे जिससे हम आर्ट एंड कल्चर अपना फिनिश करेंगे तो विल स्टार्ट विद आर्ट एंड कल्चर मोस्टली कल या परसों से विल स्टार्ट दिस के एस यूपीएससी जेकेस एस यूपीएससी एन टी कोर्स हम परसों से स्टार्ट कर लेंगे इनशाला या कल से ही आई ट्राई फाइन तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं यूजली वीडियोस जो मेरे होते हैं वो ऑन डिमांड होते हैं क्योंकि व्हाट्सएप पे भी यही सारी क्वेरीज़ मुझे आ रही हैं एंड मेरे मेल बॉक्स में भी यही सारी क्वेरीज होती हैं एंड उसी के रिगार्डिंग मैं अपना वीडियो नेक्स्ट लाती हूँ जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स एड्रेस हो जाती हैं क्योंकि आई बिलीव कि अगर पाँच छः स्टूडेंट्स मुझे कोई डाउट पूछते हैं तो वो मेजोरिटी का सेम ही डाउट होता है ठीक है तो इस वीडियो से आई होप आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए हूँ अगर कोई और चीज़ है तो वाट्सएप मेल कमेंट सेक्शन सारा आपके लिए अवेलेबल है कहीं से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं तो टिल द टाइम में अपलोड न्यू वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे एंड डू शेयर दिस चैनल अपने फ्रेंड्स में शेयर करें क्योंकि मेरी चैनल अभी तक सिर्फ मेरे कंटेंट से ही फेमस हुई है वर्ड ऑफ माउथ से ही चली है ठीक है मैंने खुद ही कहीं अपनी पब्लिसिटी जो है पेड पब्लिसिटी अभी तक नहीं करवाई हुई है तो आपको क्या करना होगा अगर आपको चैनल बेनिफिट कर रही है तो आपके लिए फ्री है इसको शेयर करना सब्सक्राइब करना तो वो जरूर करें तो टिल द टाइम में आप न्यू वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे